हेलो, वेलकम टू माय चैनल आंगनवाड़ी सहेली ICDS। आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भोला भालू। क्या नाम है? भोला भालू। ठीक है, देखो एक जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, बड़े बड़े छोटे छोटे। तो उस जंगल में एक भालू भी रहता था। उस भालू का नाम था भोलू। वो भालू बहुत गंदा सा रहता था। उसके बहुत लम्बे लम्बे बाल थे। ना वो नहाता था, ना वो अपने बाल काटता था। बहुत गंदे तरीके से रहता था। तो जंगल में जितने भी जानवर थे ना, बाकी के सारे जानवर वो उससे दूर भाग जाते थे नाक बंद करके। उसमें से बहुत बदबू आती थी। ना उसके साथ कोई खेलता था, ना बैठता था, ना उसके साथ कोई खाना खाता था। तो वो जो भोलू था वो बहुत परेशान हो जाता था कि मैं अकेले क्या करूँ, किसके साथ खेलूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। वो एक दिन पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लग गया। उस पेड़ पर देखो एक तोता बैठा था। तोता बैठा है ना? हाँ जी। दिख रहा है सबको? हाँ जी। तो फिर तोते ने उससे पूछा, भोला क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों बैठा है? तो भोले ने कहा, क्या करूं, मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं है, ना मुझसे कोई बात करता, ना मेरे साथ कोई खेलता, ना खाना खाता, सब मुझसे दूर भागते हैं। तो फिर क्या हुआ? तोते ने कहा, चल मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ जिससे तेरे सब दोस्त बनेंगे। तो भोला खुश हो गया कि जल्दी से बताओ क्या तरीका है। तो तोता ने क्या करा, वो उसको एक नाई की दुकान पर लेकर गया। नाई क्या करता है? बाल काटता है। हाँ, नाई ने क्या करा, भालू के जितने भी गंदे गंदे लंबे लंबे बाल थे वो सारे काट दिए। फिर तोता उसको एक तालाब में लेकर गया। उसने बोला, जल्दी से इसमें 5-6 डुबकी मारो। तो भालू ने क्या करा, तालाब में बैठ के बहुत सारी डुबकी मारी और अच्छे से नहाया। जब वो नहाकर निकला तो वो एकदम बदला हुआ था। वो बहुत अच्छा लगने लग गया भालू। जब हम नहाते हैं, सुबह तैयार होते हैं, बालों में तेल लगा के कंघी करके तो सुंदर लगते हैं ना बच्चे, है ना? तो ऐसे ही वो भालू तैयार होके जब निकला तो बहुत सुंदर लगा। सारे जानवर भालू को देखकर बहुत खुश हो गए। अरे वाह, ये भालू तो कितना सुंदर हो गया, ये भालू तो बहुत अच्छा है, इसमें से तो बदबू भी नहीं आ रही। तो सारे जानवर जो है भालू के साथ खेलने लगे, सब उसके दोस्त बन गए और भोला भालू भी बहुत खुश हो गया। तुम्हें सारे बच्चे नहा कर आओगे, अच्छे साफ कपड़े पहन कर आओगे तो सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे ना? हाँ जी। खेलेंगे या नहीं बताओ? खेलेंगे ना। और अगर जो गंदे से बंद कराओगे तो तुम्हारे साथ कोई भी बैठेगा, सब कहेंगे इसमें से तो बदबू आ रही है ना? तो सबको क्या करना चाहिए बताओ? नहाना चाहिए ना, और बालों में तेल और कंघा करवा के साफ कपड़े पहनकर आंगनवाड़ी में आना चाहिए ना? जैसे भोले भालू ने नहा धोकर साफ होकर आया तो सारे जानवर दोस्त बन गए, ऐसे ही तुम्हारे सारे दोस्त बनेंगे। ठीक है।